हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फोर्थ में चैप्टर नंबर 11 भक्ति नीति माधुरी धोए का आपको भाषा बोध कार्य कराएंगे। कल हमने आपको इसका बुक वर्क कंप्लीट करा दिया था, आज हम इसका भाषा बोध कार्यक्रम आपको कराएंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ पेज नंबर 59 ओपन करेंगे और बुक में इसको फिल करेंगे। यदि जिनके पास बुक नहीं है वो इसको नोटबुक में राइट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले भाषा बोध का क्वेश्चन नंबर का, निम्नलिखित शब्दों के लिंग निर्णय कीजिए। हमें इनमें बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो सबसे पहले ये है हलधर। हलधर कौन थे? बलराम। तो ये क्या हुए? पुल्लिंग। क्या हुए? पुल्लिंग। चंदन, चंदन क्या है? पुल्लिंग। पुरुष जाति से संबंध रखता है इसलिए पुल्लिंग। मैया स्त्रीलिंग, मैया औरत होती है इसलिए क्या हुआ? स्त्रीलिंग। नदी, नदी भी औरत का ही रूप होती है तो ये भी क्या हुआ? स्त्रीलिंग। भैया, भैया पुरुष में आता है तो ये हो गया पुल्लिंग। रहीम, ये भी पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बच्चों पहले हम आपको करा भी चुके हैं कई बार, तो आपको मालूम होगा कौन स्त्रीलिंग होता है कौन पुल्लिंग। आगे है, दिए गए शब्दों के साथ विशेषण लगाकर वाक्य बनाइए। विशेषण यानी जैसे सर्प, सर्प यानी कैसा है? काला। सांप काला है या उस जहरीला है, है? तो क्या लिखेंगे हम? काला सर्प जहरीला होता है, जहरीला होता है, ठीक है। शरीर सुंदर, शरीर कैसा है? सुंदर। सुंदर क्या? विशेषण आपको बताए गए हैं, विशेषता बताने वाले, तो शरीर कैसा है? सुंदर है। या हम कुछ भी कह सकते हैं, मोटा है पतला है उसका शरीर, तो क्या है? सुंदर शरीर देखने में अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। बच्चों आप कुछ भी बना सकते हैं, सुंदर शरीर देखने में अच्छा लगता है या मोटा शरीर में बीमारी होती है, कुछ भी लिख सकते हैं। वृक्ष, तो वृक्ष में हम लिखेंगे नारियल का वृक्ष लंबा होता है, या हम कुछ भी लिख सकते हैं। वृक्ष विशाल होता है, खजूर का पेड़ लंबा होता है, ऐसे ऐसे रेखा खींचकर परस्पर विपरीत शब्दों का सुमेल कीजिए। इनको हमें आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले वन कुसंगति, कुसंगति को हम किससे मिलाएंगे? सुसंगति, यानी कुसंगति बुरी संगति और सुसंगति अच्छी संगति। विष, विष यानी जहर, और विष का उल्टा क्या होएगा? अमृत। अंधकार, अंधकार अंधेरा और उसका उल्टा प्रकाश रोशनी। शीतल यानी ठंडा, और ठंडा का उल्टा उष्ण यानी गर्मी गर्म। जीवन, जीवन यानी जीना, और उसका उल्टा क्या हुआ? मृत्यु मरना। उत्तम यानी अच्छा, और उसका उल्टा क्या हुआ? अधम। यह क्वेश्चन घा, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची भी हम आपको करा चुके हैं, आपके हिंदी व्याकरण की बुक में पर्यायवाची दिए भी गए हैं। भुजंग का पर्यायवाची क्या होगा? सर्प सांप और नाग। जल का पर्यायवाची पानी नीर तोए या वारी भी कर सकते हैं हम। वृक्ष का पर्यायवाची तरु पेड़ पेड़ और
बट। कृष्ण का पर्यायवाची क्या लिखेंगे हम? मोहन, गोपाल, श्याम। कृष्ण के तो बहुत सारे हैं, जैसे कन्हैया, नंदलाल और मुरलीधर, कुछ भी हम लिख सकते हैं इनके। निम्न के शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जिसे लज्जा ना हो, उसको क्या कहते हैं हम? निर्लज। निर्लज या बेशरम भी कह सकते हैं। जो नियम के अनुसार हो तो क्या लिखेंगे हम? नियमानुसार, या हम कह सकते हैं जो नियम के अनुसार हो, वो नियमित। नियमित यानी नियमित या अनियमानुसार। जो नियम के अनुसार ना हो उसको हम कहेंगे अनियमित, अनियमित। ठीक है, आगे हमारा बुरे चरित्र वाला, तो उसको क्या करेंगे? दुष्चरित्र, दुष्चरित्र जिसका चरित्र अच्छा ना हो उसको कहते हैं हम दुष्चरित्र। जिसकी बुद्धि मंद हो क्या कहेंगे उसको? मंद बुद्धि। जो परायों का हित चाहता हो, हितेशी। तो बच्चों ये हो गए आपके, आपके हो गए ये भाषा बोध का कार्य कंप्लीट। सभी बच्चों को अपनी बुक में या नोटबुक में इस काम को करना है। आपके लिए आज का होमवर्क है, ये देखिए, पहेली में कवियों का, महापुरुषों का नाम खोजकर लिखिए। इसमें कवियों के नाम है जिनको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे ये देखिए, गुरु नानक, ये कवि है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे गुरु नानक। इसी तरीके से आपको इसमें ढूंढ करके यहाँ पे कवियों के नाम लिखने हैं। तो आज के लिए आपका होमवर्क है पेज नंबर 61। आज के लिए आपका ये होमवर्क है पेज नंबर 61 इन बुक एंड नोटबुक, डू पेज नंबर। तो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।